नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे कुकिंग क्लासी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू के गुटके की रेसिपी। ये उत्तराखंड की बहुत ही फेमस रेसिपी है, तो आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बनाना तो बहुत ही आसान होता है। तो चलो चलते हैं उत्तराखंड की बहुत ही फेमस रेसिपी बनाने। तो यहाँ बनाएंगे आलू के गुटके। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 7 आलू मीडियम साइज़ के। तो यहाँ पे मैंने ना ठंडा किया है आधा पौन घंटे के लिए, और इनको हम कटिंग करेंगे। आप गरम गरम कटिंग ना करें, क्योंकि इनकी जो शेप है ना वो अच्छी फिर नहीं आती है, टूट जाते हैं। तो आपने ठंडा होने के बाद ही, बॉईल करने के बाद आपने छील के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें, 1 घंटे के करीब, या आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इनकी कटिंग कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं एक आलू में से मैं 8 पीस कर रही हूँ। हमें ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं रखने हैं और ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं रखने हैं। तो इसी तरह से ना मैं सारे आलूओं को काट के तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं सारे आलू काट लेती हूँ। तो बहुत ही आसानी से इस तरह की शेप हम आलू में दे सकते हैं और बहुत ही झटपट ये बन जाते हैं। तो सारे आलू मैंने यहाँ पे काट के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रोसेस पर। तो सबसे पहले इसका एक मसाला बनता है, उसे बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने ले ली, इसमें अदरक कूटते हैं वो वाली छोटी वाली ले ली है मैंने। उसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा। इसके बाद डालूंगी मैं इसमें अदरक। तो यहाँ पे अदरक का थोड़ा ज़्यादा ही फ्लेवर जाता है, मैंने अदरक ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगी इसमें हरी मिर्च। तो 2 हरी मिर्च को मैंने इस तरह काट के लिया है। उसके बाद लूँगी धनिया पत्ता। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कूट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कूट लेती हूँ इसी तरह से। आप चाहें तो मिक्सी में भी इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा ददरा ही छोड़ें, एकदम बारीक ना पीसे, पेस्ट नहीं बनाना होता है हमें। हल्का सा उसे ददरा किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर डाला मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर। आप चाहें तो धनिया साबुत भी ले सकते हैं। 1 पिंच के करीब मैंने लिया गरम मसाला। यहाँ पे पानी डाल के फिर से मैं इसे अच्छे से कूट लूँगी सारे मसाले को। तो मसाला हमें यहीं पे इसमें ही तैयार कर लेते हैं। और बहुत ही टेस्टी इस तरह से सब्ज़ी बन के तैयार होती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उत्तराखंड में ना इस सब्जी को, सब्जी नहीं, ये एक रेसिपी है वहाँ की गुटके, जिसे चटनी के साथ खाया जाता है, लेकिन हम इसे रोटी पराठे पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने ले ली कढ़ाई, इसमें ले लिया मैंने सरसों का तेल। ये ना सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप चाहें तो और कोई कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैंने डाला सरसों दाना आधा चम्मच। उसका डालूंगी आधा चम्मच जीरा। दोनों को अच्छे से पकाऊंगी और हींग डाल दूंगी मैं इसमें। तो यहाँ पे मैं हींग डाल देती हूँ और सारी चीज़ों को हल्की सा पका लेंगे। जब ये सारी चीज़ पक जाएंगी तो जो हमने मसाला बना के तैयार किया है ना उसको ऐड कर देंगे इसमें। सारे मसाले को मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ और मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। अब बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगेगी। आप चाहें तो इसमें अदरक का फ्लेवर कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाल दूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक मैंने वहाँ पर नहीं लिया था, बस इसमें जो नमक बचा था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। सारे मसाले इसमें डल गए हैं, बस हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। यहीं पे मैं डालूंगी इसमें साबुत 2 लाल मिर्च, क्योंकि पहले डाल देती हूँ लाल मिर्च जल जाती हैं, काली पड़ जाती हैं। तो मैं यहाँ पर इस टाइम पर डालूंगी तो ये इनके साथ मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएंगी और काली भी नहीं पड़ेंगी। इसीलिए देखने में बहुत अच्छी लगती है लुक वाइज, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 लाल मिर्च मैंने डाल दी है। और मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं मसाला साइड से ऑयल छोड़ रहा है, तो हमारा मसाला यहाँ पर अच्छे से भुन के हुआ है, एकदम रेडी मसाला अच्छे से रेडी हो गया है भुन के। तो जो आलू थे मैं काट के रखे थे उनको ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिला लूंगी मसाले के साथ। बहुत ही झटपट बनने वाली ये आलू के गुटके की रेसिपी है। यहाँ पर मैं मसाले के साथ अच्छे से मिला लेती हूँ आलूओं को और इन्हें थोड़ी देर पका लेती हूँ, 1 से 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी पका सकते हैं। और आप देख सकते हैं झटपट से कितनी टेस्टी सी हमारी यहाँ पे सब्जी बन के तैयार हुई है आलू के गुटके की। यहाँ पे हमारे आलू गुटके बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता और नींबू। नींबू का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया धनिया पत्ता बारीक चॉप करके। धनिया पत्ता बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। उसका डाल देती हूँ यहाँ पर मैं नींबू।
दोनों चीज़ मैंने डाल दी हैं और अब अच्छे से मिला लेंगे और चलेंगे हम इनको सर्व करने। अच्छे से मिलाने के बाद और आप देख सकते हैं कितनी झटपट बनी है, खाने में बिल्कुल लाजवाब है। आप इसे चटनी के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको मेरी ये उत्तराखंड की फेमस आलू के गुटकी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।